KGF 2 का कनेक्शन ग्राफ बढ़ता जा रहा और इसका बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर हॉलीवुड बॉलीवुड सदमे में है। शायद ही इनसे हो पाएगा कि आगे क्या करेंगे, किस तरह का ये मूवी बनाएंगे और अपने आप को ईगो में हट करके ये। फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश के दमदार एक्शन, उनके स्वैग, बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त के दमदार डायलॉग्स और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 आज अपने 13 दिनों बाद दोस्तों अपने 14वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है जो कि अब शायद ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से टूटेगा या फिर हो सकता है दोस्तों कि बॉलीवुड कभी ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने का सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली केजीएफ चैप्टर 2 के 14 दिनों के इंडिया और वर्ल्ड की बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और क्या यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन पाई है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश के स्वैग, उनके एक्शन के डाहट फैंस हैं और सुपरस्टार संजय दत्त की खलनायक वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 को इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीत लिया और अपने पहले ही दिन एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग दी थी, जहां तक कि दोस्तों हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सभी जगह दोस्तों इस फिल्म ने RRR के पहले दिन के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 170 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के सामने थैलापैथी विजय की एक बड़ी फिल्म बिस्ट भी रिलीज हुई थी, जिस वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो पहले दिन के कलेक्शन थे वो थोड़े कम रहे और तमिल बॉक्स ऑफिस पर जो केजीएफ चैप्टर 2 का अपने पहले दिन का जो कलेक्शन था वो सिर्फ 6 करोड़ का रहा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से पसंद किया जाने लगा, वैसे वैसे दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो धमाकेदार रहे। अपने शुरुआती 4 दिनों में दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 546 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। तो वहीं दोस्तों अपने पहले हफ्ते ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ रुपए की कमाई करके RRR के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ चुकी थी और बाहुबली 2 के बाद अपने पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। दोस्तों हिंदी में इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 270 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जो कि दोस्तों बाहुबली 2, दंगल, RRR और सुल्तान जैसी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन से भी कहीं ज्यादा अच्छा कलेक्शन था। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में जितना पसंद कर रही है उतने ही सारे रिकॉर्ड्स ये फिल्म हिंदी में अभी तक बना चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि अपने 11 दिनों तक ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 320 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी, तो वहीं दोस्तों अपने 12वें दिन इस फिल्म ने हिंदी में कमाए थे 8,80,00,000 रुपए। अपने 13वें दिन दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए के रहे। वहीं दोस्तों आज अपने 14वें दिन ये फिल्म हिंदी में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है और आज की जो इस फिल्म की एडवांस है वो 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भी आज इस फिल्म की 20-22% की है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म हिंदी में आज लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 345 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज टच कर चुका होगा। और फाइनली दोस्तों आज ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का हिंदी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो आज 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी टच कर रहा है। साथ ही साथ बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने शुरुआती 11 दिनों तक 890 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। अपने 12वें दिन इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने 13वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं दोस्तों आज अपने 14वें दिन यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है और इसी के साथ दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 950 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी आज पार कर चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि इसी के साथ इस फिल्म ने RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अपने 2 हफ्तों में टच कर लिया है और जिस तरह की कमाई दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म RRR के लाइफ टाइम कलेक्शन को आने वाले 1 या 2 ही हफ्तों में क्रॉस कर देगी। अगले हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के सामने बॉलीवुड में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तेलुगु में भी एक आचार्य फिल्म रिलीज हो रही है। लेकिन दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के लिए ऑडियंस के बीच में जो बस बना हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो केजीएफ चैप्टर 2 ईद के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस की पहली चॉइस होने वाली है। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ की कमाई इस वीकेंड में कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितने करोड़ का रहेगा, 1100 करोड़, 1200 करोड़ या फिर 1300 करोड़ का? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।